भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा साउथ अफ्रीका सीरीज शुरू होने से ठीक पहले एक बार फिर सुर्खियों में हैं। माना जा रहा है कि उनकी कप्तानी के दिन अब पूरे हो गए हैं। अफगानिस्तान सीरीज के बाद टीम इंडिया को नया स्थायी कप्तान मिलने वाला है। साउथ अफ्रीका दौरे पर टीम इंडिया के 3 अलग अलग कप्तान नियुक्त किए गए हैं। अभी टीम इंडिया को कोई स्थायी कप्तान नहीं मिला है। आगामी दिनों में तीनों फॉर्मेट का एक साथ स्थायी कप्तान नियुक्त किया जाएगा। ये कौन है अभी तक कोई साफ नहीं हो पाया है। माना जा रहा है कि हार्दिक पांड्या हो सकते हैं। हालांकि इन सबके बीच एक दिग्गज क्रिकेटर का बयान सामने आया है। दिग्गज बैट्समैन ने रोहित शर्मा के पक्ष में जमकर बैटिंग की है और इस दिग्गज बैट्समैन का बयान वायरल हो रहा है और उनके फैंस एक बार फिर उनके बयानों को सुनकर उत्साहित हो रहे हैं। वीमेंस इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान बीसीसीआई सचिव जय शाह ने कप्तान रोहित शर्मा को T20 वर्ल्ड कप 2024 का कप्तान न होने को लेकर बयान दिया है। उनका कहना है कि अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि कप्तान कौन होगा, लेकिन रोहित शर्मा T20 टीम का हिस्सा होंगे या नहीं ये IPL तय करेगा। जैसा कि इस बयान के बाद हंगामा मच गया है। फैंस इस बयान का मतलब ये निकाल रहे हैं कि T20 क्रिकेट से रोहित शर्मा की छुट्टी पक्की हो गई है। इस दौरान फैंस काफ़ी गुस्सा और आक्रोश में भी दिखे हैं। सोशल मीडिया पर साफ उनका गुस्सा दिखाई देता है। बड़ी संख्या में लोग BCCI सचिव को ट्रोल कर रहे हैं और इस बार टीम इंडिया के पूर्व ओपनर गौतम गंभीर का बयान सामने आया। उन्होंने खुलकर रोहित शर्मा का पक्ष लेते हुए उनको T20 वर्ल्ड कप 2024 का सबसे उपयुक्त कप्तान बताया है। गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा की कप्तानी के आलोचकों को करारा जवाब देते हुए NI के इंटरव्यू में कहा कि कप्तानी में रोहित ने बहुत अच्छा काम किया है। 5 IPL ट्रॉफी जीतना आसान नहीं है। वर्ल्ड कप में भी भारत का दबदबा रहा है और मैंने फाइनल से पहले भी यही कहा था। मैंने कहा कि परिणाम चाहे जो भी हो, भारत एक चैंपियन टीम की तरह खेला। एक खराब गेम रोहित शर्मा या इस टीम को खराब नहीं ठहरा सकता है। 10 मैच में पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने जिस तरह से दबदबा बनाया, सिर्फ एक खराब खेल के कारण अगर आप रोहित शर्मा को खराब कप्तान कहते हैं तो ये उचित नहीं होगा। गंभीर ने T20 वर्ल्ड कप में हिटमैन की तरह कप्तानी को लेकर कहा कि यदि रोहित शर्मा अच्छी फॉर्म में है तो उन्हें T20 वर्ल्ड कप में नेतृत्व करना चाहिए। कप्तानी एक जिम्मेदारी है और सबसे बड़ा आप खुद को एक खिलाड़ी के रूप में चुनते हैं और फिर आपको कप्तान बनाया जाता है। एक कप्तान के पास अंतिम एकादश में एक स्थायी स्थान होना चाहिए और स्थायी स्थान फॉर्म पर निर्भर नहीं करता है। उन्होंने कहा है कि उम्र से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। किसी खिलाड़ी को बाहर क्यों किया जाना चाहिए या चुना जाना चाहिए, केवल फॉर्म ही उसकी प्राथमिकता होती है। सेवानिवृत्ति भी एक व्यक्तिगत निर्णय है। कोई किसी खिलाड़ी को संन्यास लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। चयनकर्ताओं को चयन न करने का पूरा अधिकार है और लेकिन अंततः कोई खिलाड़ी से बल्ला या गेंद नहीं छीन सकता। फॉर्म में होना सबसे बड़ी बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।